बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माया व्लॉग्स में लेके आज एक नया व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जी। तो ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू, ये आप देख सकते हैं। और आज मैं जा रही थी सैलून, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ और फिर बाकी भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और सैलून भी दिखाऊंगी आपको, रास्ते का भी कुछ व्यू दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं सैलून, तो ये रास्ते का व्यू है और मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा आपके साथ व्यू शेयर करूं और कम बोलूं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और ये शारजा है, दुबई नहीं है, ये शारजा का व्यू है। और इंशाल्लाह जब भी मैं दुबई जाऊँगी तो वहाँ का व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे नीटनेस देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा है। तो फाइनली मैं सैलून आ गई हूँ और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सैलून है, मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा। जी तो नीचे का एरिया तो आप देख ही चुके हैं, ये ऊपर का एरिया है और ये फेशियल रूम है। यहाँ पे फेशियल दिया जाता है और ये पार्लर ब्यूटीफुल नाम है इस पार्लर का। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेटअप था यहाँ का, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स और बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है। और ये ऊपर मसाज रूम है जहाँ पर मसाज दिया जाता है। और यहाँ पर सीटिंग एरिया है, बैठ भी सकते हैं। और यहाँ से नीचे वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगा जी। तो फाइनली मैं सैलून से आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भाई मेरा वेट कर रहे थे। अब हम लोगों ने जाना है मॉल, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि अभी मुझे आए हुए एक मंथ हुआ है तो कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ थोड़े बहुत व्यूज शेयर करती जाऊंगी साथ साथ। और आप सैलून के बारे में लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको यहाँ का सैलून कैसा लगा। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा सेटअप था यहाँ का, काम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें ये रास्ते के व्यूज़, और मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। जी तो फाइनली मैं मॉल पहुंच चुकी हूं और यहां से साथ साथ शॉपिंग करेंगे और साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगी।
और यहाँ की मुझे ख़ास चीज़ बर्तन मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही यूनिक किस्म के, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते होंगे इस तरह के बर्तन थे, इतने माशाल्लाह से खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लगे मुझे यहाँ की हर चीज़। और साथ साथ में आपको भी दिखा रही हूँ, देखें यहाँ पे लकड़ी के बर्तन भी थे जो बहुत ही खूबसूरत थे, मुझे ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो अब मैं दोबारा जब भी जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी और जितना हो सका मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी जो जो हो सका, क्योंकि साथ साथ शॉपिंग भी करनी है, साथ साथ शूट भी करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जितना भी हो सका तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये देखें यहाँ पे बर्तन, हर किस्म के यहाँ पे बर्तन थे, और ये गिफ्ट सेंटर था जहाँ पे ये बर्तन भी थे, कपड़े भी थे, कंबल, जूते, हर चीज़। और यहाँ पे गारमेंट्स में बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे थे क्वालिटी वाइज भी। तो यहाँ के मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा ये मॉल। देखें ये टोकरियाँ भी डिफरेंट किस्म की हैं, हर किस्म की टोकरियाँ हैं, हर किस्म के बर्तन हैं यहाँ पे। जी तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और ये मैं मूंग मसूर की दाल बनाने लगी हूँ, इसमें गोभी डालने लगी हूँ, आप भी कभी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। और ये प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने काट के रख ली है, और ये साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैंने रखा हुआ है, इसको फ्रीज़ किया हुआ है, जब ज़रूरत होती है इसको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, इस तरह आसानी हो जाती है। आज इस तरह काफ़ी लेट हो चुके हैं तो क्विकली बनाने के लिए ये इसी तरीका है, और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी और इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये देखें ये दाल की फाइनल लुक है, और आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।